इधर बताएं, ये एक्सीडेंट हुआ है, क्या है मामला? थाना नवझील क्षेत्र अंतर्गत माइलस्टोन 66 के निकट एक बस एवं ट्रक में टक्कर हो गई, जिसके फलस्वरूप करीब 20 से 25 लोग घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जहां वे उपचाराधीन हैं। यहां अन्य जांच की जा रही है और जो मलवा है सड़क पर उसे हटाया जा रहा है और इसकी सामान की जा रही है। एक्सीडेंट का कारण क्या रहा, कुछ पता लगा? फिलहाल एक ट्रक खड़ा हुआ जिसके पीछे से बस द्वारा टक्कर मारी गई है और प्रथम दृष्टि ये पाया जा रहा है कि बस खड़े हुए ट्रक में घुस गई है, जिसके फलस्वरूप यह हादसा हुआ है। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और हॉस्पिटल में ही निश्चित होगा कि क्या कैजुअल। हाँ, रात्रि लगभग 11 बजे थाना नवझील क्षेत्र अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे पर माइलस्टोन 66 के निकट एक बस संख्या UP 1780-1785 जो कि गोवर्धन मथुरा से दिल्ली की ओर जा रही थी, एक ट्रक से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके फलस्वरूप 34 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। अन्य शेष 12 लोगों का उपचार CSC नवझील एवं 19 लोगों का उपचार कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में हो रहा है। इस प्रकरण में कारणों की जांच करते हुए अग्रिम विधि कार्य शुरू की जाएगी।